दोस्तों, ZP एग्रो फार्मिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारे देसी मुर्गियों के बच्चे हैं, बड़े हैं। देसी मुर्गी मतलब डबल FG क्रॉयलर के ये बच्चे हैं। अगर आपको इस तरह के बच्चे या बड़े चाहिए, अगर आपका शॉप है, आप बड़े बिक्री करते हो या किसी प्रोग्राम फंक्शन के लिए आपको चाहिए, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। ये इस तरह का मुर्गियों का मांस अगर आप अपने किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में अगर आप अपने गेस्ट को खिलाते हो, तो इसका जो ये टेस्ट आएगा, ये टेस्ट आपको किसी भी मुर्गी में नहीं मिलेगा। हाँ, उन लोगों को मुर्गियों में ये टेस्ट आपको मिल सकता है जो लोग इस तरह के अपने मुर्गियों को खुला छोड़ते हैं। हम अपने मुर्गियों को मेस नहीं खिलाते हैं, सिर्फ शुरुआत के कुछ दिन बच्चों को मेस खिलाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये लोग चावल खा रहे हैं, राइस यानी कि पका हुआ चावल, भात खा रहे हैं, ठीक है। और ये देखो, ये लोग साग सब्जी ये सब खाते हैं, ये साग सब्जी ये सब खाते हैं। देखो हमारे बच्चे बड़े किस तरह से साग सब्जी खाते हैं। ये इस तरह के साग सब्जी खाकर देखो ये बड़े होते हैं। इससे क्या होता है, इनका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आपको अपने घर के, ऑफिस के, किसी भी प्रोग्राम फंक्शन के लिए या अपने शॉप से बेचने के लिए अगर इस तरह के मुर्गे मुर्गियाँ चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। इस तरह के मुर्गे मुर्गे अगर आपने कस्टमर्स को, अपने गेस्ट को खिलाते हो, तो वो ज़िंदगी भर आपका नाम लेते रहेंगे, तारीफ़ करते रहेंगे और आपसे हमेशा यही पूछेंगे कि भाई कहाँ से लाया। तो आप फिर से उस तरह हमारा माउथ ऑफ वर्ड्स के ज़रिए हमारा प्रचार कर सकते हो। इससे क्या होगा, हमारा कुछ भला हो जाएगा। ये देखो, अब हम इन लोगों को क्या खिला रहे हैं। ये बांधा गोभी के पत्ते हैं, इनको हमने काट दिया है। ये देखो, अब बांधा गोभी के पत्ते ये मुर्गे मुर्गियाँ कैसे खाते हुए। इससे पहले हमने इनको मूली के पत्ते दिए थे, ये मूली के पत्ते हैं। मूली के पत्ते इन लोगों ने खा के पूरा इसको फिनिश कर दिया है। ये देखो, पूरा ख़त्म हो चुका है। मेन बात आपको बताने का सिर्फ यही मकसद है कि अगर आपको अपने दुकान से, अपने शॉप से बेचने के लिए, या कोई रेस्टोरेंट है आपका, या कोई पार्टी फंक्शन के लिए अगर इस तरह के मज़ेदार मुर्गियाँ चाहिए, मज़ेदार मुर्गियों का मांस चाहिए, तो आप हमसे संपर्क करो। ये आपको हम दिखा रहे हैं कि हम अपने मुर्गे मुर्गियों को किस तरह से बड़े करते हैं, किस तरह से देसी तरीके से इनको खिलाते हैं, जिससे इनका टेस्ट जो है वो लाजवाब होता है। आप जो मार्केट से मुर्गे मुर्गियाँ खाते हो, जिनको मेस यानी कि पैकेट का खाना खिलाकर बड़ा किया जाता है, उनमें आपको इस तरह का टेस्ट नहीं मिलता है। वो बेस्वाद होता है, वो सिर्फ पेट भरने के काम आता है, ठीक है ना। लेकिन एक दफ़ा अगर आपने अपने कस्टमर्स को या अपने गेस्ट को हमारे ये मुर्गे मुर्गियों का कोई आइटम खिला दिया, तो वो अपने उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपको भी अपने कारोबार को बढ़ाना है, अपने गेस्ट को खुश करना है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हमसे इस तरह के मुर्गे मुर्गियां लेने के लिए हमसे संपर्क कीजिए। हम अपने मुर्गे मुर्गियों की इसी तरह के देसी जुगाड़ से बड़ा करते हैं, इन्हें पालते पोसते हैं, इनको पैकेट का खाना नहीं खिलाते हैं, इनको घरेलू तरीके से बड़ा करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा मज़ा मिल सकता है। आपके कस्टमर्स बहुत खुश रहते हैं, आपके रेस्टोरेंट्स में जो कस्टमर आते हैं वो बहुत खुश रहते हैं, आपके शादियों में, पार्टियों में जिस तरह के कस्टमर्स आपके जो आते हैं, जो गेस्ट आते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं। वो लोग खा पी कर खुश रहते हैं कि हाँ भाई मज़ा आ गया। दूसरे जगह पे जो भी हमने मुर्गियों का आइटम खाया, वो तो सिर्फ पेट भरने के लायक था, उसमें जो मज़ा आया वो सिर्फ मसाले का ही मज़ा था। लेकिन अब भाई आपके यहाँ पे जो मुर्गे मुर्गियाँ खाया, इसमें मांस में भी मज़ा है, और मसाला डालकर अगर किसी बावर्ची, किसी कुक ने अच्छा मज़ेदार आइटम बना दिया, तो सोने पे सुहागा है। ये देखो, ये हमारे मुर्गे मुर्गियाँ ये खाकर रेस्ट कर रही हैं। कैसे ये रेस्ट कर रही हैं, ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स। तो इसी तरह हम ये वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आप कोई किसान हो या आपको रेगुलर इस तरह के मुर्गे मुर्गियाँ लगता है, तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। आने वाली वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और इसी तरह हमारा ये देखिए देसी मुर्गे मज़ा लेते हुए। आप सबको हमारे मुर्गियों की तरफ से बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।